जब रोड ही इतना है तो सुरक्षा भूल जाइए। डोंडी हमारे आते आते, हमारे डोंडी से मतलब लगाव है इनका, इलाज के लिए या किसी से काम के लिए। दूर दूर तक कोई नहीं है। चलिए मैं समारी, मैं पूरा वीडियो ऑन रखूंगा, हार नहीं सकता कभी भी। और ये सीढ़ी दी हुई है, चलिए अगर ये सीढ़ी कहीं से गिरी तो मैं चल नहीं पाऊंगा। पूरा गुफा से बाहर निकल गए। चलिए कभी भी अकेले दो लोग के साथ भी अंदर मत जाए। जमो झन संगवारी माला जय जोहार। और संगवारी आज मैं जावत हूँ, मोला पता लगी सुबरे करबे दिन पहले मैं भी तो छुट्टी करके मैं गांव आ हूँ, और मोला पता लगी इसके मोर हमर डोंडी से करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर एक सोनादेवी मंदिर है, जहाँ बहुत ही खतरनाक गुफा और वो मंदिर के मान्यता भी है बहुत कुछ। और संगवारी हो जो मंदिर में जाना नहीं हो, अगर मान्यता के बारे में कैसे बताऊँ, तो पहली वो मंदिर में चलथन, मंदिर ला दिखाता हूँ, फिर ओकर मान्यता ओकर से जुड़ी कहानी सब चीज़ आपके बारे में बताऊँ। संगवारी हो वहाँ बहुत खतरनाक गुफा भी है, तो गुफा के मैं हमेशा जो कोई भी जाता हूँ ना पूरा गुफा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो संगवारी हो पूरा ये वीडियो वाला शुरू से अगर लास्ट तक देखूँ, क्योंकि वीडियो में आप लोग बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसा जगह शायद ही कहीं पूरा बालोद जिला में नहीं, शायद ही कहीं पूरा छत्तीसगढ़ में हुई ऐसा कहीं गुफा है। तो संगवारी हो पूरा इतना बड़ा जंगल में हमें जाना है, तो बिल्कुल संगवारी हो पहले वीडियो को लाइक करें, नीचे में लाल बटन दिया होगा उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आगे मिलूंगा आपके सोनादेवी के जंगल में। चलो अब आगे मिलते हैं। भानु प्रतापपुर ये साइड है, भानु प्रतापपुर करीबन 21 किलोमीटर यहाँ से भानु प्रतापपुर है, और यहाँ से है मानपुर 19 किलोमीटर, और ये दोनों ही जाए के बीच में रोड में ये देखिए आप मन बोर्ड बने हुए हैं, गौरव ग्राम सोनदही आपका हार्दिक स्वागत करता है। संगारो यहीं से ही करीबन जो जो मंदिर जावा थन, अब यहाँ से माहौल नहीं पता कितना दूर है, लेकिन अब जाथन आसपास कवर की छत्तीसगढ़ हमारे ऐसा देश है जहाँ हम कहीं भी कोई ग्राम में जान तो आदर सत्कार मिलते, गाँव में पूरा जानकारी बताते कि कहाँ पे कैसे है। और हमारे साथ आज हमारे कैमरामैन मिस्टर लखन लाटिया जी, जो पहले भी कैमरामैन थे मेरे और बहुत मेरे मित्र हैं। चलिए अब इस रोड में चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे हम रहते हैं। संगवारी मन ऐसे चाहत है कि भगवान है कि मैं जहाँ भी आजकल जंगल जाऊँ अकेला और सुनसान जगह में ही जाऊँ। और संगवारी मन वो जो गेट ला पर दिखा रहे हूँ वो गेट से लगभग 3-2 या 2.5 किलोमीटर ट्रैक बाद सोनादेही गाँव पड़ जाए, गाँव से लगते ही लेफ्ट साइड में सीसी रोड गए है, और सीसी रोड संगवारी सिर्फ थोड़ा देर तक है, पूरा जंगली रोड है। मोर खास टू व्हीलर आना, टू व्हीलर तो बाइक मन आ गए लेते पीते हैं, स्कूटी मन तो नहीं आ पाई, बाइक हाँ लेते के मन पहुँच पहन, और वहाँ से आए के बाद लगभग 2 किलोमीटर वो कहते सीसी रोड गए है। अब यहाँ पे थोड़ा रुके ना, पानी नहीं पी लेते हैं करके, वोकर अब देखते हैं रोड कहाँ जाते, और आप मन दिखाते हो कि रोड कहाँ तक गई, और बाद आप मन से मुलाकात होते हैं। मोर संगवारी मन वो सीसी रोड करीबन सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं है लगभग, और गाड़ी में यहाँ पे खड़े कर दे हूँ, एक और कोई गाड़ी और भी यहाँ पे, और आप मन मोर पीछे देख सकते हो थोड़ा का बिल्कुल ख़राब है रोड है, गाड़ी नहीं चढ़ पाई। पता है संगवारी अभी लगातार ये चौथा वीडियो हुई जो लगातार मुला पहाड़ी में ही चढ़े मजबूर कर देते, और पिछले बार 2 वीडियो में तो मैं अकेला रहे हूँ, 3 वीडियो संगवारी हो, लेकिन ये वीडियो मोर साथ है मोर दोस्त है। लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम है और मैं जैकेट पहना हूँ तो और गर्मी लगने वाला है मेरे को। चलिए अब देखते हैं बाकी जंगल में से कहीं सिर्फ सुनसान आवाज़ है, और सिर्फ ये हल्का सा पगडंडी है, देखो देखो ये धीरे 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 खाली हल्का हल्का पगडंडी है खाली, और कुछ नहीं है, और मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ चारों ओर जंगल है। अरे एकदम खड़ी है, पूरा खड़ी है, खड़ी खड़ी बोलो जय माता दी। चलिए ऊपर चलता हूँ, क्योंकि जानते हो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। हमारे साथ और भी लोग, सो बहुत खड़ी है ये, बहुत ज़्यादा खड़ी है। संगवारी में नज़ारा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम भरोसा मत करूँ, हमारे सिर्फ पगडंडी होते हुए थे, ये नीचे में ही खाई है, और सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे देख, जब रोड ही इतना है तो सुरक्षा भूल जाइए। ये खाई इतनी ही है। सो समय फाइनली मंदिर पहुँच गए, मंदिर के पास चलते हैं। तकरीबन बहुत ऊपर चढ़े के बाद आखिर में चढ़ गए हूँ, और सबसे बेहतरीन चीज़ हमेशा एक किसी मंदिर में जा नज़ारा बहुत अच्छा रहता है, और यही चीज़ हमें मिली थी यहाँ भी आके हमेशा की तरह। ये सोनादेही जंगल ही है, और यहाँ पे है ये भैया लोग आए हैं, हमारे डोंडी में आए थे इलाज कराने के लिए, ये यहीं दुर्गा कुंडल से हैं भैया लोग।
भैया ऐसा कर दो। सर फाइनली हम सोनादाई माता के मंदिर पहुंच गए हैं और बाजू से ही हाँ ये भैया लोग माता जी के मंदिर यहाँ गए थे। यहाँ पे एक छोटा सा गुफा है लेकिन अभी यहाँ ये एक तो संगवारी हो ये बड़ा गुफा है। देखिए ये शिव जी और ये भैया लोग ये देखो भैया लोग रूप अंदर से हैं। डोंडी हमारे आते आते हमारे डोंडी से मतलब लगाव है इनका, इलाज के लिए या किसी से काम के लिए यहाँ आते ही रहते हैं। और ये देख सकते हैं हमारा मेरा संगवारी मिस्टर लखन लाठिया पहले गुफा में घुसने के लिए तैयार रेडी बैठा है। चलिए गुफा में चढ़ते हैं। मैं संगवारी हो बहुत अंदर है गुफा, दिक्कत है कि भैया लोग ने अभी सुबह गए थे, बहुत नीचे है गुफा और नीचे में मतलब इतना पानी है कि मैं डूब भी सकता हूँ। डूब नहीं मतलब इतना पानी है एक्चुअल में, लेकिन संगवारी हमको अब जानते हो मैं अगर आया हूँ तो जाऊँगा ही। चलिए अब गुफा की ओर चलते हैं। तो चलिए संगवारी अंदर चलते हैं अब। और मैं चलो दो मैं रखा हूँ सामने, इसमें भी क्योंकि फ्लैश लाइट है और ये सामने का भी इसको डाल दूंगा मैं। अब इधर मत जाना, इधर भैया इधर जो गुफा है ना छोटा वाला उधर। और भैया लोग गए हैं करके थोड़ा सा, अब उन लोग भी चले गए हैं और हमारे पीछे यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। चलिए मैं संगवारी मैं पूरा वीडियो ऑन रखूंगा और सच बताऊं तो मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का। लेकिन जाना है क्या हबीबी? चलना लगन मैं तो जा ही रहा हूँ भाई। चलिए संगवारियों क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है तो थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत जाएगा चालू रखने में। संगवारी मन करीबन बहुत थोड़ा सा बहुत देखिए उधर उसर देखिए इतना नीचे हम लोग आ गए हैं। और संगवारी और मेरा आवाज कितना गूंज रहा है इससे पास पता कर सकते हो कि मैं अभी कितना अंदर हूँ। और अगर अभी कुछ आता है ऊपर या नीचे से तो कुछ हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और समझ यहाँ पे लास्ट सीढ़ी बना हुआ है और पानी यहाँ से दिख रहा है, देखिए वो पानी है पत्थर फोटो से डाल के देखिए पत्थर आया पानी का आवाज ये बहुत ही चमकदार प्रसेंट है। और यहाँ पे सीढ़ी है, अब यहाँ तक तो आया हम तो सीढ़ी भी चलिए थोड़ा सा हिम्मत करता हूँ। जय भगवान जय भगवान जय भगवान। मोबाइल पर रखता हूँ तो है ना साथ में। वाह क्या मजबूत सीढ़ी है, देख आराम से भाई ठीक है दोस्त। हाँ रुक जा धीरे धीरे मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसे क्यों कर रहा? अबे डरा से रहा अपने आप को, मैं अपने आप को हिम्मत दे रहा हूँ। तो ऐसे करेंगे हिम्मत सुन वन प्लस ना गिरेगा क्या रखना खोजने का क्या मनी से दोनों जाएंगे नीचे खोजने के लिए जाना होगा तो अबे आराम से ना भाई आराम से पकड़ के चल पकड़ के चल। संगवारी हो मैं अपनी पूरी लाइफ में सुदिया पाठ जो मंदिर में डरा था उससे ज्यादा कहीं आज डर रहा हूँ क्योंकि वहां पे आसपास में भाग भी सकता था लेकिन यहाँ भाग नहीं सकता कहीं भी। और ये सीढ़ी दी हुई है, चलिए अगर ये सीढ़ी कहीं से गिरी तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। एक ये एक गुफा और है जो बहुत आगे तक गई है। और संगवारियों देखो लास्ट हम पानी तक पहुंच गए हैं और ये लास्ट ऑप्शन है जो मेरे को डरा रहा है हल्का हल्का क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे है। संगवारियों देखो लास्ट में पानी तक आ गए हूँ और पानी यहाँ तक है और इसके आगे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं है। यहाँ पे एक और गुफा है, यहाँ पे एक और गुफा है और ये बहुत ही अंधेरा है। चलिए अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा मोबाइल रखता हूँ मैं उसको ऑन रहने। जय माता दी 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 जय माता दी। हाय फाइनल दोस्तों गुफा तो हम लोग पानी तक तो पहुंच गए, वापस ऊपर भी जाना है। चलिए वापस ऊपर चलते हैं अब। और बहुत ही बेहतरीन गुफा और डर का माहौल, इसलिए पहले अपने डर को खत्म करता हूँ ऊपर चढ़ के फिर वीडियो ऑन करता हूँ। गुफा से
बाहर निकल गए, चलिए थोड़ा सा उछलना दिखा मेरे को। मेरी माने कभी भी अकेले दो लोग के साथ भी अंदर मत जाएं, कम से कम 4 से 6 लोग का टीम बनाएं, उसके बाद हिम्मत जाने अंदर करें कि मैं इतने सारे गुफा में गया हूं फिर भी मुझे इतना डर आज तक किसी गुफा में नहीं लगा। बाहर चलते हैं। फाइनली संगवारी मन, मैं भी वो गुफा से पूरी तरह बाहर आ गया हूं और करीबन 1 घंटे तक वेट करने के बाद मैं अभी शूटिंग कर रहा हूं, क्योंकि जो मन में डर था पहले उसको मैंने काबू किया। और संगवारी, अभी यहाँ पे भी कोई नहीं है और अब मंदिर गुफा दर्शन कर लिया, भगवान दर्शन कर लिए, एक छोटी सी गुफा है वहाँ भी देखा मैंने, छोटी सी है, ज़्यादा अंदर नहीं है। और फाइनल संगवारी हो, आप मेरी माने तो बताया मैंने निकलते वक्त कभी भी दो लोग ना आए, कम से कम 4 से 5 लोग का ग्रुप बना के आए, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा है यहाँ से। और आप घाटी देख सकते हैं, देखिए ये कभी घाटी के गेस्ट में तो बैठा हूँ, यहाँ पर सुरक्षा करके थोड़ा सा बैठा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि फाइनली बिना डर के बैठा हूँ। लेकिन संगवारी मन, मोर फाइन ये रही कि आप मन ये जगह बिल्कुल आओ, हमारे बालोद जिला से करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है और मोर गांव से करीबन 25 से 30 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया हमार सोनादाई माता के जो दर्शन करके बाद दिल बहुत खुश हो गया, काबर की मेहनत बहुत करे हैं और यहाँ बाद जो नज़ारा रहता है। संगवारी मन, आप मन देखियो, ये थी सोनादाई मंदिर। संगवारी हो, अगर मोर वीडियो आप मन इतना खतरनाक जगह दिखाए के बाद भी पसंद नहीं हो तो हो नहीं सके, और पसंद आए मुझे पता है तो एक वीडियो लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ। और बालोद जिले के निवासी और कहीं के भी निवासी आप मन रहा, संगवारी हो, दाई देता भैया कक्का जो भी रहा हो आप मन, हाँ सबो झनला प्लीज़ ये वीडियो शेयर भी कर दूँ। तो संगवारी, अब मैं चलता हूँ वापस अपन घर की ओर, कवर की थोड़ा सा नज़ारा भी और देख लूँ एक बार, ओकर बाद मैं अपन घर की तरफ चलूँ। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।